हेलो एवरीवन, तो मैंने ये ऑल्टन का अमेज़ोन से स्टेबलाइज़र मंगाया है। ये एक एसी स्टेबलाइज़र है, तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कि क्या मिलता है हमें। और ये घास फूस निकालने के बाद मुझे मिला स्टेबलाइज़र का बॉक्स, तो चलिए इसे ओपन करते हैं एक अच्छे से टेबल में रख के। और ये जो है मेरा स्टेबलाइज़र का बॉक्स है। और गाइस, ये मैंने 1.5 टोन का एसी के लिए मैंने मंगाया, और इसका वोल्टेज रेटिंग अगर मैं बात करूं तो 170 वी टू 270 वी तक का है। तो चलिए इसे कैंची से ओपन करके देखते हैं क्या निकलता है इसमें। और ये जो है मैंने बॉक्स को ओपन कर लिया, और इधर तरफ सेलो टेप भी लगा हुआ है, तो इसको मैं अपने चाबी की मदद से फाड़ लूँगा और देखते हैं कि क्या मिलता है हमें। सॉरी गाइस, कैमरा थोड़ा सा एंगल गड़बड़ा जाता है बार बार। और ये रहा अल्टन का स्टेबलाइज़र का बॉक्स, कुछ इस तरह सा निकलता है। यहाँ डिजिटल डिस्प्ले लिखा हुआ है, लेकिन इसमें कोई डिजिटल डिस्प्ले नहीं है। हाई लो वोल्टेज प्रोटेक्शन इसमें दिया हुआ है, और माइक्रो कंट्रोलर इनसाइड लिखा हुआ है। और ये अल्टन का ब्रांडिंग है, इसमें कुछ डिटेल्स लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हो इसमें से, है ना। और ये कुछ पीछे से इस तरह बॉक्स सेम डिटेल्स लगभग लगभग दूसरे साइड में भी दिया हुआ है। तो ये रहा उसका मेन बॉक्स अल्टन स्टेबलाइज़र का। और जो है चलिए इसके अंदर भी देखते हैं कि कैसा है हमारा स्टेबलाइज़र। ये ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइज़र है, कि पैकेजिंग तो मानना होगा बहुत अच्छी पैकेजिंग में आता है। और ये है इसका वारंटी कार्ड, लेकिन इसकी वारंटी के बारे में बता दूं कि ये स्टेबलाइज़र लेने के एक दिन बाद मुझे मैसेज आया था कि अगर आप कंपनी की तरफ से इंस्टॉल कराते हो तो आपका वारंटी रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा, इस तरह का कुछ मैसेज था। मैसेज डिलीट हो गया, वरना मैं मैसेज का भी आपको स्क्रीनशॉट शो कर देता। कुछ इस तरह का मैसेज आया था, वो इसी कंपनी की तरफ से था, उसमें लिखा हुआ तो था अल्टन की तरफ से। अब बाकी आई एम नॉट श्योर अबाउट वारंटी ऑफ दिस स्टेबलाइज़र। और जो है ये रहा मेरा स्टेबलाइज़र। और भी कुछ है क्या इस बॉक्स में, चलिए देखते हैं। तो मुझे मिला और एक स्क्रू, एक्चुअली स्क्रू जो है इस पत्ती में आया था, दोनों स्क्रू। लगता है डिलीवरी के दौरान एक स्क्रू निकल गया होगा। और ये कुछ इसका बॉक्स है, उसमें थर्माकोल है। पैकेजिंग तो इसकी बहुत कमाल के, मैं 10 out of 10 देना चाहूँगा इसकी पैकेजिंग को। और ये रहा स्टेबलाइज़र, कुछ इस तरह का दिखता है स्टेबलाइज़र। पीछे से वायर भी निकला हुआ है। और चलिए इसे हम इसके प्लास्टिक को भी निकाल के देखते हैं कि क्या क्या मिलता है इस स्टेबलाइज़र में अंदर देखने को। पता नहीं ये स्क्रू अंदर से निकला है, पता नहीं कैसे ये गिर गया कि क्या हुआ, अंदर से खुल के निकला है या फिर एक्स्ट्रा आ गया पॉलीथीन में, मुझे नहीं पता। तो एक स्क्रू मिला, और यहाँ पे जो है स्क्रू तो सारे टाइट ही लग रहे हैं, ठीक है। और स्टेबलाइज़र थोड़ा सा अंदर से कोई स्क्रू खुला हुआ टाइप भी लग रहा था, तो हिला रहा था स्टेबलाइज़र, तो कुछ साउंड आ रहा था। और स्टेबलाइज़र की वायर की बात करूं तो लगभग 1/2 meter के करीब वायर होगा इस स्टेबलाइज़र का, मतलब बहुत छोटा था, मतलब थोड़ा सा ही वायर था। और इसमें जो है लाइन देने का आर एन और अर्थ का जो है इसमें आउटपुट लगाने का भी दिया हुआ था, बहुत अच्छे से स्टिकर चिपकाया हुआ था। दो टांगने के लिए होल दिए हुए थे इस स्टेबलाइज़र को वॉल हैंगिंग करने के लिए। और इसमें दो बत्ती भी दिया हुआ था आउटपुट के लिए और पावर कट।
एक में पावर ऑन लिखा हुआ था और एक में आउटपुट ऑन कट ऑफ लिखा हुआ था। तो चलिए इस स्टेबलाइज़र को हम लोग खुद से इंस्टॉल करते हैं। मेरी वारंटी जाएगी तो जाएगी, पर मेरे पास टाइम नहीं है, तो इसीलिए मैं इसे खुद से इंस्टॉल करूँगा और देखते हैं कि कैसा ये स्टेबलाइज़र वर्क करता है। तो ये मैंने इंस्टॉल कर दिया है अपने एसी से स्टेबलाइज़र, और वर्किंग तो इसका बहुत अच्छा है। इसमें दो लाइट दिया हुआ है, रेड वाला जो दिख रहा है वो जो है पावर ऑन ऑफ का लाइट है, और एक जो ग्रीन है वो रेड हो जाता है अगर इसमें आउटपुट इसके लेवल से हाई हो जाता है या फिर लो हो जाता है, यानी वोल्टेज बहुत ज़्यादा लो या फिर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो पावर कट अपने आप हो जाता है इस एसी का, और रेड ग्रीन रेड हो जाता है, जो ग्रीन लाइट है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे अभी हो गया है। ठीक है, तो ये आउटपुट अभी मेरे एसी को दे नहीं रहा है, अभी मेरे घर का वोल्टेज लो है इसीलिए। बाकी ये स्टार्ट होने में 3 सेकेंड का डिले रखता है, देखिए इस तरह का रेड हो जाता है ग्रीन बत्ती। और अगर स्टार्टिंग का भी बात करूं, अगर मैं यहां पर अभी स्टार्ट भी होगा स्टेबलाइज़र, आप लोग देख लेना, इसमें 3 सेकेंड का जो है डिले होता है स्टार्ट होने में। ठीक है, तो ये अच्छा है एसी का, सेफ्टी के लिए भी अच्छा होता है डिले टाइम। ठीक है, किसी में 10 सेकेंड होता है, किसी में 3 सेकेंड होता है, सबका अपना अपना। तो इसमें जो है 3 सेकेंड, ये बत्ती जो है 3 बार देखिए ये ब्लिंक करेगा और फिर आउटपुट देगा। तो ये आउटपुट दे दिया, 3 बार जो ब्लिंक कर दिया, 3-4 बार ब्लिंक करता है और ये आउटपुट दे देता है, यानी इसमें डिले टाइम तो है। ठीक है, और ये फिर से रेड हो गया, मेरा वोल्टेज जो है बहुत ज़्यादा अप डाउन होता है मेरे घर तरफ इस वक्त में। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, और ये आउटपुट दे दिया। तो इस तरह का कुछ सीन है, और फिर से रेड हो गया है। मैं अच्छे, जब वोल्टेज मेरा घर में अच्छे से रहेगा तब मैं आपको दिखाता हूँ उसे अच्छे से चला के, और मैं एसी को ऑन करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये स्टेबलाइजर से एसी जो है अच्छे से वर्क कर रहा है, और मतलब कि 1500-1600 में मुझे ये स्टेबलाइजर अच्छा लगा, और इसका लुक भी अच्छा है काफ़ी। ठीक है, बाकी इसमें वायर थोड़ा और लंबा होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, और इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट अब क्या ही कर सकते हैं। और ये वायर जो है मेरे एसी का है, इसे स्टेबलाइज़र का मत समझना, ये वाला छोटा वायर जो है ये स्टेबलाइज़र का है। ठीक है, और यही था वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मेरे चैनल को। थैंक